नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ काजल। भारत समाचार के स्पेशल प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में है आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आपको बताएंगे कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। आर्द्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्म मालिन चंद्राम हृणमयीम लक्ष्मीम जातकम तो महामहा। जिस प्रकार से हमारे जीवन में आनंद के क्षण आते हैं तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में अमावस्या भी आती है और पूर्णिमा भी आती है, यानी डार्कनेस भी आती है, लाइट भी आती है। अमावस्या बहुत कुछ सिखा के जाती है, पूर्णिमा जीवन को प्रफुल्लित करती। तो यही होता है उतार चढ़ाव समय का। लेकिन विशेष रूप से अगर हम बात करें तो श्रावण मास चल रहा है और इस समय पूर्णिमा का प्रभाव, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है, नदियों में स्नान के बाद दान इत्यादि की परंपरा है। कितना सुखद संयोग है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन जगह जगह होता है। इस दिन देव चंद्रमा है पूर्णिमा तिथि के, इसलिए चंद्रदेव की पूजा होती है। उनकी पूजा करने से चंद्र दोष और चंद्र दोष का दूर होना बहुत ज़रूरी होता है। श्रावण पूर्णिमा पर भी योग अच्छे बन रहे हैं, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग। ये तीनों ही तीनों योग शुभ माने जाते हैं, रवि योग, आयुष्मान योग। रवि योग 5:48 से 6:53 तक चल रहा है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को श्रावण का प्रभाव देखा जाता है। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए कि आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है आज का खास उपाय। मेष राशि वालों, आज के दिन मनमुटाव की वजह से आपका व्यवहार हो सकता है कुछ खराब, साथ के साथ आय और लाभ के नए साधन मिलते नजर आ रहे हैं। क्षमता को पहचानिए, शक्ति को पहचानिए, प्रोजेक्ट को आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। 1.25 मीटर लाल वस्त्र ले लें और मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पे जरूर अर्पित करें। गुलाबी रंग और 6 अंक आज आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं वृषभ राशि की। आज के दिन खुद को ऊर्जावान बनाए रखना, बच्चों की भांति आप प्रसन्न रहना चाहिए। नया विचार आए उसको करें, आरंभ कर दें, जरूर लाभ होगा। विद्यार्थियों को पूरी गंभीरता के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। रविवार के दिन उपवास इत्यादि रखने का परंपरा आप बनाएंगे तो अच्छा आपके लिए रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन ग्रहों की स्थिति अच्छी है, लेकिन आलस्य आपके अंदर अधिक पैदा हो सकता है। एक्टिव रहिए, एक्टिविटीज ज़्यादा ज़्यादा आप इन्वॉल्व होइए तो अच्छा रहेगा। प्रतिकूल स्थितियाँ स्वास्थ्य की आपकी दूर हो जाएंगी अगर आप खुद को एनर्जेटिक एक्टिव रखेंगे। मंदिर परिसर में केले का पेड़ लगाएं और उसकी भाली पूर्वक ध्यान रखें। शुभ अंक 12, शुभ रंग नारंगी। बात करते हैं कर्क राशि की। अहंकार जीवन में बड़ी समस्याएं आपकी खड़ी कर सकता है। इसके साथ युवाओं को छोटी मोटी बातों पर गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर आपका दिन अंततः सुखद रहने वाला है। क्या करें, किसी से कोई भी वस्तु मुफ्त में ना लें, ये अक्सर कुछ राशियों को चला दी जाती है। शुभ अंक 17, शुभ रंग सफ़ेद। बात करते हैं सिंह राशि की। यह सोचना गलत होगा कि आपका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है, लोग डरते हैं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा विदेशों से संबंधित कार्य करने की सोचे तो अच्छा रहेगा। दूध व्यापारी इत्यादि या चंद्र से संबंधित कार्य करने वाले भी थोड़ा अच्छा करेंगे। गणेश जी को दूर्वा दल अर्पित करिए। शुभ रंग हरा, शुभ अंक 5 का। कन्या राशि वालों, कुछ अज्ञात भय आपको आ सकता है, थोड़ा सा नर्व्स को मजबूत रखिए। प्रतियोगिता मजबूती के साथ सामना करना चाहिए आपको। नर्व स्टील की होनी चाहिए। बुध का प्रभाव आपके ऊपर शुभ पड़ेगा। ज्ञान और तकनीकी से खुद को बनाइए मजबूत। मूंग और तिल का दान करना, इससे आपके बुध से संबंधित अवयव मजबूत होंगे शरीर में। 15 का अंक और नारंगी रंग आज आपके लिए शुभ है। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार थोड़ा सा मध्यम चल रहा है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए टारगेट पूरा कर पाने में सफल होते हुए देखे जा रहे हैं। IT इत्यादि इंडस्ट्रीज में जुड़े तो भी अच्छा है। कड़े संघर्ष को असफलताओं पे ध्यान ना दें। थोड़ा रक्तचाप से संबंधित या रक्त से संबंधित समस्या तो दिखवा ले। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और अन्न का दान करें। 12 अंक और लाल रंग आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों, सभी सफलताओं को पाने के लिए आप हो जाइए तैयार। ओवर कॉन्फिडेंस से आने से बचें। विषय का ज्ञान ना हो उसको कतई छोटा ना समझे। लंबे समय से आर्थिक परेशानी चल रही है, आर्थिक समस्याओं का समाधान आपका आज हो सकता है। व्यापारी धन के मामले में आंख मूंद के विश्वास ना करें। तुलसी का पेड़ लगाएं और घी का दीपक वहाँ पे चलाएं, देखिए क्या लाभ होगा। 14 का अंक और हरा रंग आपके लिए बहुत ही शुभ है। बात करते हैं धनुराशि की।
कमियों को ना छुपाइए, उजागर करिए, लोगों से फीडबैक लीजिए, लोगों से समझिए। व्यापारी वर्ग जल्दबाजी से कोई महत्वपूर्ण फैसला ना ले, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। अनाज इत्यादि या खाद्य इत्यादि, रेस्टोरेंट होटल के मालिक इत्यादि, ये भी लाभ कर सकते हैं। फायदा काली वस्तु का दान करें, काला ही रंग शुभ है। शुभ अंक 18, मतांतर से 9 का। ऑफिस कामकाज को लेकर अचानक बड़ा बोझ, बड़ा तनाव, बड़ी समस्या आ सकती है। उच्च अधिकारियों से बेवजह का सवाल जवाब आपसे तलब हो सकता है, संभल के रहें। कारोबारियों को लाभ की कमी, निराशा घेर सकती है। एक्टिव रखिए अपने शरीर को, वर्कआउट लगातार करते रहिए। अच्छा है, लाल वस्तु का दान करिए। और इसी के साथ ही आपको शुभ रंग नारंगी और 15 का अंक भी ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वालों, प्रेम की स्थिति आपकी ठीक चल रही है अभी, कोई उसमें अमूलचूल परिवर्तन नहीं करना है। बैंक बैलेंस के बारे में या अब आपको संचय करने के बारे में सोचना चाहिए। कुछ समय के लिए सैलरी इत्यादि पेंडिंग हो सकती है। युवा वर्ग हैं, विचारों को शुद्ध रखें। स्वास्थ्य को लेकर गर्दन इत्यादि में या कुछ तकलीफ कंधे इत्यादि में हो सकती है। श्री सूक्त का पाठ करें, अन्न का दान करें। गहरा हरा रंग शुभ है। शुभ अंक आपके लिए है 20 का। बात करते हैं मीन राशि, शुभ समाचार मिलने की वैसे आज प्रबल संभावना दिख रही है। नौकरी इत्यादि या कार्य की तलाश में है तो अच्छा प्लेसमेंट या अच्छा कार्य मिल सकता है। नर्सरी इत्यादि या अगर इकोलॉजी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित तो अच्छा है। कला फील्ड से जुड़े हुए लोग भी, उनके सपने पूरे हो सकते हैं। आम राय बना के चलें, बजरंग बली की आराधना करें, आपके लिए सफलता के द्वार खुलेंगे। शुभ रंग सफेद, शुभ अंक आज आपके लिए 8 है। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए कि आज का पंचांग क्या कह रहा है, दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 12 अगस्त 2022, पूर्णिमा तिथि का मान, धनिष्ठा नक्षत्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष और शुक्रवार का दिन। शुभ समय 4:17 से 5:43 और राहु काल 10:55 से 12:31 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरु जी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं 800-40-3625-24। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप उनको टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी दर्शकों से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। शिक्षा शेरनी।